हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय इन यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है, मैं वॉकिंग करने आई हूँ फील्ड में। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है कंपोस्ट रखी हुई है, कॉलेज में ही बनाई गई थी। यहाँ पर अभी सारे प्लॉट को फ्लोइंग करके छोड़ दिया है। अब मेज़ और धान वगैरह, बारिश आने वाली है। बारिश तो ऑलरेडी यहाँ चालू हो गई है, बट अगस्त सितंबर में यहाँ पर धान लगेगा। ये है, ये खेत ऐसे पड़े हुए हैं फ्लोइंग करके, मतलब जोत के, जुताई करके। ये है कोकोनट ऑर्चर्ड, थोड़ा दूर पे लगा है। ये मोर खेत में थोड़ा बहुत, तीन चार मोर खेत में घूम रहे हैं। ये मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, एकदम सुहाना मौसम है आप लोग जैसा कि देख सकते हो। ये है कोकोनट सीडलिंग, ये लगाने लायक हो गए हैं, मतलब प्लांटेशन करने लायक हो गए हैं। अब इसका प्लांटेशन किया ही जाएगा। ये कटहल का पेड़ लगा हुआ है, ये नारियल लगे हुए हैं, ये फरे हुए हैं। ये मैं कोकोनट ऑर्चर्ड पास से दिखा रही हूँ। ये हमारे कॉलेज के गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उनके लिए क्वार्टर्स हैं। पुराने हैं इसलिए थोड़ा पुराना मॉडल में है, काफ़ी 25-30 साल पुराना है। तो तभी ऐसे रहते थे जो प्यून वगैरह और लोग जॉब वगैरह करते हैं असिस्टेंट वर्कर के रूप में, और प्यून वगैरह उनके लिए इस टाइप के क्वार्टर्स इधर हैं। अभी ये एक कौआ मर गया है, अभी ये बनाना फरा हुआ है। ये पानी की टंकी है, ये हमारे कॉलेज के बैल बंधे हुए हैं। थोड़ा बहुत हमारे कॉलेज में जुताई बैल से भी होती है, इतने सारे बैल बंधे हुए हैं। छोटा सा टेंपल हमारे कैंपस में है, अभी बंद है। ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है। ये स्टोरेज होता है पैडी, मेज और यही सब। इसके बाजू से पैडी प्रोसेसिंग यूनिट है। ये है काऊ पी, मतलब हिंदी में इसको लोबिया बोलते हैं और लोकल नाम में तो अलग अलग सब जगह बोला जाता है। तो ये है ऐसा। यहाँ पे कुछ फॉडर क्रॉप्स लगी हुई हैं।
ये भी एक कोई फॉडर क्रॉप है, बोर्ड वो लगा है।